नमस्कार, आज आपका स्वागत है डीएनए खबर में। आज हम आपको एक अच्छी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियाँ हों वो काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण ना दिखाई दें। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी देनी होगी। उसे तब तक दफ्तर आने की इजाज़त ना दी जाए जब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई ना कर दिया जाए। ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। दफ्तर के अधिकारी ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले यह निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां ना चलाएं। दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे। दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने फेस मास्क पहना हो। दफ्तर के भीतर भी पूरे समय फेस मास्क पहनना जरूरी है। दफ्तर में विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाएं। केवल अधिकृत मंजूरी के साथ और किस अफसर से मिलना है इस जानकारी के बाद विजिटर को आने की इजाज़त दी जाए, उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। दफ्तरों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर होर्डिंग जगह जगह पर लगाए जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश और विदेश से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन। धार्मिक स्थलों पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग ना जुटें। सभी को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाए। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत रोकें। फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। COVID-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे तथा वीडियो भी चलाना होगा। कोशिश करें कि एक साथ ज़्यादा श्रद्धालु ना पहुँचें, सबको अलग अलग करने की कोशिश करें। जूते चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा। रेस्टोरेंट्स के लिए गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, इसके बाहर खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर ना करें। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम होना चाहिए। केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए। कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और वे पूरे समय इसे पहने रहें। कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखता से लगाने होंगे। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाए। हाई रिस्क वाले कर्मचारियों को लेकर विशेष एहतियात बरते जाएं। उनसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने वाली जगह पर काम ना कराया जाए। संभव हो तो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रेस्टोरेंट परिसर में पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए। वॉलेट पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा पार्किंग के बाद कार की स्टेयरिंग गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी ताकि लोग उचित 6 फीट की दूरी के साथ लाइन में खड़े हो सकें। ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग अलग गेट होने चाहिए। टेबलों के बीच भी उचित दूरी जरूरी है। रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे।
रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डिस्पोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के लिए तौलिया की जगह अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए। ग्राहकों और रेस्टोरेंट को वफीट सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एलिवेटर्स में एक साथ ज़्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी होगी। ऐसी ही कई अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए DNA खबर के साथ।